नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली जीके गवर्नमेंट जब स्टूडेंट पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ और सीएसएफ के रिटर्न एग्जाम के बारे में। आपको बता दें कि 2019 में जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आई थी उसी के रिटर्न एग्जाम की बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हो, करंट अपडेट नोटिफिकेशन हमें पार्टनर्स का वीडियो चाहते हो, तो चैनल को रेड वाले बटन से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर्स कोई भी पार्टनर्स वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में। आपको बता दें कि लगातार काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रहे हैं कि बीएसएफ सीएसएफ का कोई अपडेट्स, बोल रहा है कि 14 को एग्ज़ाम है। आप देख सकते हैं जहाँ पे भी किसी भाई का कमेंट आया है, भाई बीएसएफ सीएसएफ का कोई अपडेट्स, बोल रहे हैं 14 को है, रियल है जहाँ फेक, पूरा इस वीडियो में बात करने वाले हैं और क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है इस वीडियो में बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। आपको बता दें कि पहला वीडियो जो बीएसएफ सीएसएफ एग्ज़ाम का डाला था वो काफ़ी देर हो गई है। उस टाइम हमने आपको बता दें कि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, हमने इसलिए वीडियो ला के आए हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम की अभी तक कोई भी कंफर्म डेट नहीं आई है। आपको बता दें कि हेडक्वार्टर फ्रंटियर जम्मू में हमने कॉल किया था 2 दिन पहले। फिलहाल पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग भी बताई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अभी तक कोई अपडेट्स नहीं हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त को एक और अपडेट्स आई थी जिसमें आपके बीएसएफ और आईटीबीपी के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा था कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे जब थोड़ी बहुत स्थिति सामान्य होगी। इंडिया में काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं सितंबर के मंथ में, इसलिए आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है अक्टूबर के एंडिंग में चांस बनते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के 15 से कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जेई और नीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बाद एसपीयू की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भर्ती कम्प्लीट भी हो चुकी है। इसलिए आपको बता दें कि अभी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा। एग्जाम ऑलरेडी आप लोगों का डाल चुके हैं बीएसएफ वाले, और आपको बता दें कि आप लोगों का एग्जाम फिलहाल ग्राउंड में ही होगा, इसलिए आप लोगों को इसे अभी लाइटली नहीं लेना है। जैसे ही आपका हमें कोई अपडेट्स पहुंचती है तो हम आपको कम से कम 5-10 से 15 दिन पहले ही अपडेट कर देंगे। हम लगातार कोशिश में हैं और आपको बता दें कि हम बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में कॉल भी करते हैं कई बार और उनसे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको कॉल रिगार्डिंग भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको बता दें कि आज है 3 सितंबर, 3 सितंबर तक कोई भी अपडेट्स नहीं है। जो आप 14 को बोल रहे हैं आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप देख सकते हैं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि ज़्यादा मेडिकल, ये मेडिकल एग्जामिनेशन है उन स्टूडेंट्स का जो कि हेड कांस्टेबल, आपका रेडियो ऑपरेटर्स और आपको रेडियो मैकेनिकल की जो रिक्रूटमेंट हुई थी पहले, उसका मेडिकल एग्ज़ाम है 14 सितंबर को, ना कि आपकी बीएसएफ और सीएसएफ ओपन रैली का रिटर्न। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं, उसमें हम सामने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन डाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे। आपको बता दें कि पिछले साल पेपर आपका ऑफलाइन हुआ था, पेपर उसी टाइम वापस ले लिया था, इसलिए पुराना पेपर हमारे पास नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी रखें, बेसिक ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एसएससी जीडी, जो सिंपल ही रहेगा और इसका कट ऑफ भी लगभग कैटेगरी वाइज जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों की किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि आपको अभी टाइम नहीं लगेगा, इंडिया में आपकी भर्तियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोगों को अभी फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी आप लोगों का सितंबर के मंथ में कंडक्ट किया जा रहा है, आपकी कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है, इसलिए लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे हमारे पास कोई अपडेट आती है आप लोगों को शेयर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू एंड कश्मीर। अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा।